तो लगाने से पहले इस एयर फिल्टर के हॉस पाइप को साफ कर लेना है। देखिए इस फिल्टर को जो हम लगाते हैं, इसका ये रबड़ वाला पार्ट, इस फिल्टर को जो हम लगाएंगे ये रबड़ वाला पार्ट इस साइड में जाएगी हेड की तरफ, और इसका जो ट्यूब वाला पार्ट है ये ऊपर की ओर रहती है, ठीक है। ये खाली वाला पार्ट इधर रहता है क्योंकि इसका जो वास्तव रबड़ है ये इस कार्बोरेटर में होता है। अब हमें इसका एक्सीलेटर केबल चेंज करना है। इसे चेंज करने के लिए आपको ये स्प्रिंग अंदर की ओर खींचना होगा, तो यहाँ से नहीं होगा, इससे पहले हमें यहाँ खोलना होगा। इस स्क्रू को खोलने में मैंने काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाया, फिर भी यह नहीं खोला। मैंने इसका इस्तेमाल किया ये बीट का, इससे भी नहीं खोला। ये देखिए हमारे पास ये नया पेचकस है तपारिया का, इससे भी नहीं खोला। लेकिन मैं आपको इस तपारिया के बीट टूल्स किट्स के जरिए से मैं आपको खोल के दिखाऊँगा। इसके बारे में पहले वीडियो बनाया था। अगर आप ये टूल्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल्स है दोस्तों, कोई बोल्ट अगर नहीं खुलता है, कोई स्क्रू नहीं खुलता है, तो बड़े आसानी के साथ आप खोल सकते हैं। ये तीसरे नंबर पे मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसकी जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी होती है, अच्छे तरीके से बैठ जाता है। मैं बहुत हल्का जोर लगाऊँगा, और देखिए इसका बैलेंस जो है ना इस मुट्ठी के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। देखिए ये खुल गया। तो बस दोस्तों आपको बस 350 रुपये लगाना है और आसानी के साथ बोल्ट खोलना है, तो फौरन आप वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, आप क्लिक करके अमेजोन के ज़रिए से परचेज कर लीजिए। ये हमेशा काम आएगा ये टूल्स आपको, ख़ास करके BS6 बाइक के लिए अब ये टूल्स काम आने वाली है। तो यहाँ खोलने के बाद क्या होता है, ये जो तार है ये नीचे की ओर जाती है और ये थोड़ा लूज हो जाता है, और फिर हम आसानी के साथ इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। स्प्रिंग को मैंने बाहर अंदर की ओर खींचा, और इस तार को हम, ये देखिए तार को हम बाहर निकालेंगे और फिर इसके ज़रिए से ऐसे निकाल देंगे। दोस्तों ये एक्सीलेटर तार जब रास्ते में टूट जाती है तो ग्राहक को पैदल आना पड़ता है, और अगर इस तरह की जानकारी उन्हें थोड़ी मिल जाए तो फिर रास्ते में वो चाहे तो इस केबल को लेकर सिर्फ एक पैकेज के ज़रिए से चेंज कर सकता है। ये सभी चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उस साइड से भी चेंज कर सकते हैं। अब मैंने जब इसे खोला है तो इसके अंदर थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे, जो और भी ज़्यादा फ्री हो जाएगी। इसे घुमाने के बाद यहाँ पे एक एडजस्टिंग का ऑप्शन होता है, इसे आप एडजस्ट कर लें। पूरा फिटिंग करने के बाद इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इधर लगाऊंगा। अपने आयात कहाँ जो पंजाब से लग लो और परिवार तो
देखिए मैंने इस तरीके से लगाया। अब इसके अंदर थोड़ा मुझे ऑयल डाल देना, जो आगे भविष्य में दिक्कत ना करे खोलने में।